नमाज पढ़ने में दिक्कत हो रही थी। ये मस्जिद जो है सर, ये लगभग 60 से 65 साल पुरानी मस्जिद है। पहले 2 माला था, फिर 3 माला हुआ, अब 4 माला हुआ। लेकिन सवाल ये है कि जब मस्जिद का पहला स्ट्रक्चर दूसरा स्ट्रक्चर जब ढाला जा रहा था, उस समय ही रोक लगाना चाहिए था, उस समय ही ऑब्जेक्शन लगाते। आज मस्जिद एक मस्जिद के शक्ल में हो गया, एक घर हो गया, एक बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद जवान हो गया, सब कुछ हो गया। आज मस्जिद पूरी अपनी मस्जिद के शक्ल में, तो आज एक मस्जिद को आप गिराने जा रहे हैं, तो कैसे आज यहाँ तक गिरेबान तक पहुँच गए? हम लोग आज शांति पूर्वक से हम लोग हर आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। हम लोग जी बिल्कुल, देखिए इनका साफ तौर पे कहना है कि हम संविधान को मानते हैं, कानून को मानते हैं, कानून के हिसाब से हम अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाएंगे। साफ तौर पे कहना है कि जिस वक्त ये निर्माण कार्य हो रहा था उस वक्त बीएमसी कहाँ थी? ये फिलहाल आस्था का स्थान है और ऐसे में इसे हाथ लगाना पूरी तरह से असंवैधानिक है, और इसीलिए हम अपनी बात सरकार तक पहुंचा रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से इसका हल निकाला जाए और किसी की आस्था को ठेस ना पहुंचे, ऐसा कदम उठाया जाए। और इसीलिए हम शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर बैठे हैं, और यहाँ पर बीती रात से ही लोग बैठे हैं, धूप में लोग बैठे हैं। लोगों का कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर हमें सबसे ज़्यादा प्यारा है। और यहाँ पे आप देखिए कि ये पुलिस स्टेशन, आप देखिए पुलिस स्टेशन के सामने ही लोग मौजूद हैं, लोग बड़े ही शांति प्रिय तरीके से अपनी बात सरकार तक पहुंचा रहे हैं। सूरज जी, आपने भी नजीरे की 50,000 लोग इतने पेशेंस के साथ वेट कर रहे हैं, पिछली रात से अभी तक भी इंतजार कर रहे हैं। जहां आप मौजूद है वहां के लोगों के भीतर युवा हैं, बुजुर्ग हैं, धैर्य के साथ कम से कम इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार जब ये बातचीत हो। और ऐसा पिछले साल भी हुआ था, ऐसा भी नहीं है कि धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट आज के आज शुरू हुआ है। ये इसी एवज में तो इसके मतलब ऊंचे वाले फ्लोर्स को तोड़ने की बात की जा रही है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के जद में आने वाला ये मस्जिद, जिसे लेकर के पिछले साल भी यही कवायद थी, क्या तभी भी लोग इतने ही भीड़ में इकट्ठा हुए थे? देखिए यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि पिछले साल भी ऐसा कुछ हुआ था, जिसके बाद इन्होंने फिर सरकार तक अपनी बात पहुँचाई थी। उस वक्त इस पूरे मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था, किसी भी तरह का उस पर सल्यूशन नहीं निकाला गया था। उनकी उम्मीद है कि इस बार इस पर कोई हल निकाला जाएगा। मैं आपको दिखाऊं, देखिए आपको विजुअल्स में दिखाई दे रहा होगा, हर उम्र के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बच्चों से लेकर हर उम्र का जो हर एज ग्रुप है यहाँ पर मौजूद है, बुजुर्ग लोग भी मौजूद हैं, यंग लोग भी मौजूद हैं, और हर कोई ये समझना चाह रहा है, देखना चाह रहा है कि आखिर यहाँ पर हल क्या कुछ निकल कर सामने आता है। तो मैं यहाँ पर कुछ वरिष्ठों से बात करने की कोशिश करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन